पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्रों ने गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह का घेराव किया। कुलपति के घेराव के दौरान एलएलबी के छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। उन्हें गुरुवार को अचानक सूचना दी गई कि एलएलबी के कुल 248 छात्रों को छात्र संघ चुनाव में मतदान से वंचित रखा गया है। छात्रों का कहना है कि कुलपति का ये निर्देश तुगलकी है। वो वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में वर्ष 2018 और 2019 में प्रवेश विद्यार्थियों को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। एलएलबी के ये सभी छात्र वर्ष 2017-18 के हैं, लिहाजा ये मतदान करने के अधिकारी नहीं हैं, जिसको लेकर उन्हें लिखित पत्र भी दिया गया है। इस मुद्दे पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एलएलबी तृतीय वर्ष के छात्र ने कहा कि एलएलबी तृतीय वर्ष के छात्रों का सत्र नवंबर माह में समाप्त हो रहा है। वर्तमान में वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लिहाजा उन्हें छात्र संघ चुनाव में भागीदारी दिया जाना चाहिए। शैक्षिक सत्र 2018-19 में दिनांक 30/8/2018 तक जिन छात्रों का प्रवेश हो चुका है वे ही छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते हैं। मतदान के अधिकारी
में हम लोग का एडमिशन 30 तारीख से पहले हो चुका है और हम लोग अपने स्तर से रेगुलर स्टूडेंट है, हम लोग को मिलना चाहिए सर। हाँ ये तो बात सही है, बात ये है उसमें साफ साफ लिखा है जो 30 अगस्त से पहले जिसका एडमिशन होगा चुनाव लड़ेगा, तो एडमिशन तो हो चुका है, तो क्यों नहीं क्या दिखाने की कोशिश किए हैं आप लोग, क्या दिखाने की अगर आपको बताएंगे सर आपकी बात पूरी हो गई तो इनको जाना है, ये रिटर्न में मांगते तो रिटर्न में दीजिए, चले बनाओ और उसके साथ सर तब तक छात्र संघ स्थगित रहेगा, जब तक आपकी इच्छा चुनाव हम लोग कर रहे हैं सर, चुनाव में पता होगा नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा सर, आप सर आप सब ये चाहिए सर, आप कमेटी के सपोर्ट हो सर, आप एक स्पेशल के कार्यकर्ता के लिए कर रहे हैं सर, आप कमेटी के सपोर्ट हो सर, आप सब ये चाहिए सर, आप सर सर उन्हें कर लीजिए सर, उनको बता दें उपाध्यक्ष सर, पहली चीज तो आपने जो फैसला सर आपने जो फैसला बोला है उस पर जस्टिस का ही वायलेशन आपने फैसला दे दिया, हमने फैसला नहीं दिया, और आपने कहा सर जो आपने लिंगदो की बात की, लिंगदो पे मैंने पॉइंट बताया 6.8.9 उस पर दिया हुआ है कि जो भी इससे हियरिंग होगी वो ओपन होगी इन पब्लिक, तो ये ओपन कहाँ हुआ, आपने बंद करने में फैसला किया, हमें बस बता दिया कि ये फैसला आया हमारा, तो वो लिख के दे रहे हैं होगा जो हियरिंग हुई होती हम लोग के सामने हुई होती सर, जो चीज मिल रहा है उससे बड़ा कुछ कर रहा है, क्या होगा एक एक मैं अभी लिखा पढ़ी में एक रेजोल्यूशन पहले से हमारा है विश्वविद्यालय का कि जो इस सत्र में 18-19 में प्रवेशित हैं छात्र वही मतदान करेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, पिटीशन है हमारा जी, यही बात आपको बताई जा रही है जी, इससे अगर आप एग्रीड हो तो आप पिटीशन चाहे हाई कोर्ट में चाहे यहाँ का हम ऐसे अथॉरिटी हैं जो अपने अपने डिसीजन को खुद नहीं बदलते जी सर, हम लोग सुनिए लॉ के जो वो ये जितना कानूनी भाषा हम लोग बोल रहे हैं सर आप ही सीखे हैं, और आप हमारे अभिभावक तो छोटे बेटी का तुल्य समान है सर, हम लोग रहे गुरु जी तुम्हारे, सुनिए नहीं नहीं सर, यहाँ 2016 में ये हुआ है कि अलाउ किया गया तो सर जब तक फैसला ना आ जाए चुनाव होगा, शासन को लिख दिया होते अध्यादेश में बदलाव भी होता है, अध्यादेश में बदलाव भी होता है, शासन चुनाव 2018-19 में वे ही छात्र छात्राएं मतदान कर सकते हैं जिन्होंने सत्र 2018-19 के लिए दिनांक 30-8-2018 तक प्रवेश शुल्क जमा करके संबंधित विभाग में
इनका मामला है ये तो आप वही चीज वहाँ से उठा कर कॉपी पेस्ट यहाँ कर रहे हैं वही कॉपी पेस्ट हुआ है ये क्यों बता रहे हैं आप ये बताइए कि ये नहीं कर सकते हैं ना आप तो बात रखिए हम लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं क्या आप इंटरप्रिटेशन आप तो न्याय के दूत हैं आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हो आप ही हम लोग दिखाए और आप हम लोग के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्या आप क्या कर रहे हैं सर चुनाव कैसे बात ये उपाध्यक्ष छोड़ने के नहीं है 248 भेजे हुए हैं वहाँ से आपको तो ये नहीं करना चाहिए आपको तो सही से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए मेरी गुलामी अच्छी नहीं है सर जान लीजिए क्या हमारा विश्वविद्यालय नहीं सुन नहीं पाएंगे जायज होगी तो पूरी आपको सब कुछ और कहना है एलएलबी के छात्र हैं जो गत वर्ष सेशन के हैं 17-18 के हैं और थर्ड ईयर के हैं उनका सत्र लेट चल रहा था पहले तो काफ़ी लेट था लेकिन हमारे जो वर्तमान विभाग अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी रेगुलराइज कर दिया है 2-3 महीने में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद वो विश्वविद्यालय के छात्र से वो 17-18 की जो डिग्री मिल जाएगी और ये जो चुनाव हो रहा है हमारा 17-18-19 में प्रवेशित छात्रों के लिए हो रहा है ऐसे छात्र जिन्होंने इस सत्र में प्रवेश किया है और दिनांक 30 अगस्त तक फीस जमा कर दिया है वही छात्र हमारे चुनाव लड़ने के लिए अधिकारी हैं और साथ ही साथ वोट देने के अधिकारी क्या डिमांड कर रहे हैं छात्र सर ये छात्र लड़के डिमांड ये कर रहे हैं कि हम लोग की इस सत्र में भी पढ़ना है हमारा सेशन लेट है और हमें गत वर्ष में प्रवेश मिल गया था हमें डिग्री को कार्य से जून मिल जानी चाहिए थी लेकिन किन्हीं कारणों से काफ़ी समय से डिग्री सेशन लेट चल रहा था तो सेशन डिले होने की वजह से 3-4 महीने इनका लेट डिग्री मिलनी है जबकि इस सत्र के छात्र नहीं हैं इस वजह से उनको चुनाव से वंचित किया जा रहा है और इनको डिमांड ये है कि हम 18-19 में हमें चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार दिया है और इस सत्र में ऑलरेडी तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं ऑलरेडी वो प्रवेशित हैं और 21 सत्र में दो तरह के छात्र जो है सेम सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते इनको डिग्री भी मिलेगी तो पिछले सत्र को मिलेगी और सारे लाभ इनको पिछले सत्र के ही मिलेंगे सर आपके द्वारा कोई लाभ अब ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव या तो ना हो या तो फिर इनकी मांगे मानी नहीं चुनाव मांग नहीं मांग से तो होता नहीं है विश्वविद्यालय तो अपनी नियमावली पर नियमावली से चलती है किसी की मांग करने से तो नहीं बच्चे तुम्हारे हैं नहीं छोटे कि चंदा मामा मांगे चंदा मामा ला के दे देंगे हमको सर लिखित तो पत्र कुछ दिया आपने क्या है हमें दे दिया है कि 17-18 जो प्रवेश छात्र हैं वह प्रवेश इस सत्र का लाभ नहीं मिल पाएगा उनको पिछले सत्र के जो छात्र थे इसी वजह से लेट है 3-4 महीने अगर तो वो इस सत्र का लाभ नहीं मिलेगा इस सत्र के लाभ उन्हीं वगैरह को मिलेगा जो इस सत्र में प्रवेश है